दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य धरती पर कैसे आया और उसका विकास कैसे हुआ? ये ऐसे कठिन सवाल है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो मानव की जन्म से लेकर आधुनिक मानव बनने तक की कहानी मिनटों में बयां करती है। दोस्तों, आज से 1 करोड़ साल पहले धरती का मौसम आज के जितना सामान्य हो चुका था। अब धरती की परिस्थिति बदलने लगी थी। आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई और इस हलचल की वजह से अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ और यह पर्वत श्रृंखला यहाँ के मौसम में बदलाव का कारण बन गई, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। इन जंगलों में निवास करने वाले एप्स, जिन्हें पेरुला पिथिकस के नाम से जाना जाता था, इनका निवास स्थान पेड़ों पर था। यहाँ पर इनको भरपूर मात्रा में खाने को मिल जाता था। ये एक टहनी से दूसरे टहनी पर कूदने में सक्षम नहीं थे। वो कभी कभी पेड़ों की डाली पर खड़े होकर चला करते थे। आगे चलकर इन बंदरों की प्रजातियाँ गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई। कुछ तो इंसान में बदल गए और ये अब पूरे अफ्रीका में फैल चुके थे। दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अकाल की स्थिति आ गई और बारिश ना पड़ने की वजह से जंगल पूरी तरीके से साफ हो चुका था और इन एप्स के लिए पेट भरना तो काफी मुश्किल हो गया था। खाने के तलाश में इन्होंने धरती पर पहला कदम रखा और यह थे हमारे पूर्वज। यह हमारे मानव जीवन के संभव होने का पहला कदम था। इनका सब कुछ हम इंसानों से मिलता जुलता था और इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा हो गया था। इनके पास हम इंसानों जैसे दांत भी हुआ करते थे और आकार में ये 4 फीट लंबे हुआ करते थे। कई हजारों सालों बाद इन्होंने 2 पैरों पर चलने में खुद को सक्षम बना लिया, जिस वजह से ऊर्जा की खपत कम हो गई। 2 पैरों पर चलने की वजह से काफी लंबी दूरी तक नजर घुमा सकते थे और साथ ही साथ उनका दिमाग भी काफी ज्यादा बुद्धिमान हो चुका था। समय बीतता रहा और विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज अपने शरीर में विकास करते गए। आज का मानव लगभग 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। मानव के इस लंबे जीवन काल में मनुष्य पौधे या जड़े और मांस खाकर अपना पेट पालते थे। दोस्तों, मनुष्य नर वानर से संबंध रखते थे। नर वानर स्तनधारी जीव में उन वर्गों से संबंध रखती थी जो कि पूरी तरह से विकसित या बुद्धिमान है। मनुष्य, वानर तथा लंगूर इसी वर्ग से संबंध रखते थे। इनके शरीर पर बाल होते थे, लेकिन इनके दांत कई प्रकार के होते थे। उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती थी। दोस्तों, लगभग 28 से 30 लाख साल पहले इन वानरों में एक और संघ उत्पन्न हुआ, जिसे मनुष्य परिवार का पशु या महावानर कहा जाता है। इनमें वनमानुष भी शामिल थे। मनुष्य और नर वानरों में बहुत सारी समानताएं पाई जाती थी। आरंभिक मानव का सर बहुत ही छोटा और पीछे की ओर झुका हुआ होता था। उनके शरीर पर घने बाल होते थे और वे बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने लायक आवाज निकाल सकते थे। वे घुमंतु थे और वे भोजन कंदमूल के तलाश में घूमते थे। शुरुआत में वो पशुओं की तरह 4 पैरों पर चला करते थे, पर समय बीतने के साथ साथ वो खड़े होकर हाथ का प्रयोग करने लगे। दोस्तों, आदि मानव की उत्पत्ति 12 से 20 लाख साल पहले सर्वप्रथम अफ्रीका में हुई थी। ये पाषाण युग तथा आदि मानव की उत्पत्ति का समय था। इस युग को पाषाण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में मनुष्य हथियार भी बनाते थे। 2 से 3 लाख साल पुराने अवशेषों से यह पता चलता है कि शुरुआती मनुष्यों के अस्थि पंजर वर्तमान मनुष्यों के अस्थि पंजर के आकार के ही होते थे। होमो सेपियंस मनुष्यों की खोपड़ी होमो इरेक्टस मनुष्यों की खोपड़ी से अधिक बड़ी तथा काफी आगे की ओर झुकी थी। दिमाग का आकार बढ़ने के लिए स्तन की गुंजाइश थी। इस काल का मनुष्य शिकार द्वारा भोजन इकट्ठा करता था। वो पत्थरों के औजारों, सुई या हड्डी से मछली पकड़ने के लिए कांटे बनाता था। वे जानवरों की चर्बियों को जानवरों की अतड़ियों से धागे बनाकर सीते थे। वे चमड़ी से गर्म जूते भी बनाते थे। दोस्तों, 2 लाख साल पहले आरंभिक मनुष्य के जाति में से एक नियरडर्थल मानव थे। यह शब्द जर्मनी के नियरडर्थल घाटी से लिया गया था। यहाँ से नियरडर्थल मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये आरंभिक मनुष्यों की अन्य जाति से अलग थे। ये लंबे, मजबूत तथा शक्तिशाली थे। वैज्ञानिकों के अनुसार वे उस समय काफी विकसित थे। वे बहुत ही सफल शिकारी थे। वे गुफाओं में रहते थे और आग जलाने में सक्षम थे। वे अपना भोजन हमेशा आग में जलाकर ही खाते थे, साथ ही मृत शरीर को दफनाते भी थे। नियरडर्थल के कब्रिस्तान पर खोज करने पर पता चला कि वे मृत शरीर को रंगों से सजाते भी थे। दोस्तों, समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से औजार बनाना भी सीख लिया और अब इनके लिए शिकार करना काफी आसान हो गया था और साथ ही साथ हमारे पूर्वज ने आग पर काबू करना भी सीख लिया था। उस समय हमारे पूर्वजों के लिए आग सबसे बड़ी खोज थी, जो कि उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरे से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से वो साथ साथ रहने लगे और परिवार भी बनने लगा। इस वजह से सुरक्षित रहते थे। आग में पके मांस को खाने में कम ऊर्जा लगती थी और इसी वजह से ऊर्जा के बारे में इनके दिमाग में खपत होने लगी।
अब हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो चुका था और ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से सबसे ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपना संदेश एक दूसरे को पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिया और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने एक अलग भाषा का निर्माण किया जिसकी वजह से ये आपस में बातचीत कर सकते थे और यही वो विकास क्रम था जिसके बाद हम आज का मनुष्य बने। दोस्तों तकरीबन आज से 2 लाख साल पहले हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। होमो सेपियंस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव थे। हमारे पास धरती पर उपस्थित जानवरों में से सबसे ज्यादा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास दिमाग था। दोस्तों मनुष्य आज दिमाग के कारण ही इतना आगे पहुंच गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।